अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं टेक्निकल बन्नू में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, फेसबुक के लिए बनाते हैं, टिकटॉक के लिए बनाते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आप वीडियो बनाते हैं, तो आपको वीडियो बनाने के लिए कौन सा ट्राइपॉड इस्तेमाल करना चाहिए और मैं कौन सा ट्राइपॉड इस्तेमाल करता हूँ, कितने का मैंने लिया है, कौन कौन सी उसमें फैसिलिटीज हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो तो हम अपने मोबाइल किसी मेज पर रख कर भी बना सकते हैं, किसी कुर्सी पर रख कर भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन जो सहूलियत हमें इस ट्राइपॉड में मिलते हैं, जो फैसिलिटीज हमें इस ट्राइपॉड में मिलते हैं, उनको अगर इसकी प्राइस से कंपेयर करें तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत कम प्राइस है। तो जितनी कम कीमत में हमें ये ट्राइपॉड मिलता है और जो फैसिलिटीज हमें इस ट्राइपॉड में मिलती है, तो मैं समझता हूँ कि हमें अपना मोबाइल किसी मेज पर रख कर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें एक ट्राइपॉड जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं वीडियो बनाने के लिए कौन सा ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ, कितने का मैंने लिया है, क्या क्या सहूलियात हमें इसमें मिलती हैं, चलिए आपको दिखा देता हूँ। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये ट्राइपॉड मैंने लिया है, सऊदी अरब में तो तकरीबन 20-25 रियाल में मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 550 की कीमत होगी इसकी। तो दोस्तों ये इसका कार्टून है, इस कार्टून में एक पैक करके हमें मिलता है, और मैं अभी इसको खोल देता हूँ और आपको इसके इस्तेमाल करने का तरीका भी बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पैकिंग हुई है इसकी, मैं इसको खोल देता हूँ। तो ये हमें इस तरह मिलता है और हम इसको, मैं अपना कैमरा थोड़ा नीचे करता हूँ, तो ये मैंने इसको खोल दिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, तो मैं इसको ये दिखा देता हूँ। इस तरह ये पैक होता है, हमने इसको यहाँ से ओपन करना है, इस तरह खोलना है और इसको यहाँ नीचे करके इसको टाइट करना है। अब इसको हमने यहाँ इसका नट है, इसको हमने ओपन करके इसको ऊपर उठाना है, ये मैंने खोल दिया और अब इसको मैं यहाँ तक उठा देता हूँ। और यहाँ पर मैं रख देता हूँ इसको, और यहाँ इसका जो मोबाइल का फ्रेम है, ये आप देख सकते हैं ये मोबाइल का फ्रेम है, इसको हमने यहाँ पर लगाना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। इसको मैंने टाइट कर दिया नीचे से, ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इसका नट है, इससे हम टाइट कर सकते हैं, और इसको यहाँ से हम, ये आप देख सकते हैं सारे यहाँ पर नट है, आपने यहाँ से साइड से भी, मैं थोड़े पीछे करता हूँ, ये इसका नट है, आप यहाँ से ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी आप लगा सकते हैं, और फिर आपने ये नट जो है टाइट करना है। अगर आपने मोबाइल को ऐसे कड़ा रखना है तो आपने इस तरह यूज़ करना है, आप अगर आपने मोबाइल को ऐसे साइड पर रखना है तो इसको खोल के ऐसे रखना है, तो मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ। और ये इसका जो है, यहाँ से आप इसको जितना टेढ़ा करना चाहते हैं, जितना आप साइड पे करना चाहते हैं, ये आप इसको छेड़ें, आप देख सकते हैं, और इसको भी ये आप देख सकते हैं थोड़ा इधर इधर हिलता है, इसका मीज़ान बराबर करना है आपने, तो यहाँ से आपने टाइट करना है, ये इसका नट है, इसके अंदर इसको आपने टाइट करना है, और इसको आपने यहाँ से खींच कर इसका साइज़ बड़ा करना है, और इसमें आपने अपना मोबाइल रखना है। मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं कि मैं इसमें आपको मोबाइल रख कर बता सकूँ, लेकिन आपको ऐसे बता देता हूँ कि आपने इसको छेड़ना है, इसको आपने इस तरह बाहर खींचना है और इसमें अपना मोबाइल लगाना है। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात यह है कि इसमें हमें लेवल भी मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर आप देख सकते हैं ये इसका लेवल है, यहाँ से आप इसका लेवल कर सकते हैं, यानी यहाँ पर ये अगर बीच में आ गया तो आपका जो मोबाइल का लेवल है वो बराबर होगा। तो ये इसमें बहुत ख़ास बात है ये लेवल का। अच्छा, अगर हमने कड़े होकर वीडियो बनानी है तो हमने क्या करना है, क्योंकि अभी तो इसका साइज बहुत छोटा है, इसकी इस तरह तो हम कड़े होकर वीडियो नहीं बना सकते, तो इसके लिए हमने क्या करना है, आप देख सकते हैं इसकी जो लेग है, इसमें क्लिप्स हैं, आप ये क्लिप्स खोल कर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्लिप्स आपने खोल दिए, ये अब इसका साइज जो है ऊपर हो गया, इसको फिर आपने यहाँ से बंद करना है, तो ये अभी इसी जगह टाइट हो गया, अब ये अंदर नहीं घुसेगा,
ये आप देख सकते हैं सारे लेग आपने इसके खोलने हैं और क्लिप बंद करना है। अब ये आपने इतना ऊपर कर दिया, इसका साइज जो है ज्यादा हो गया। अब आप कहते हैं कि नहीं मैंने और भी इसको ऊपर उठाना है, तो आप यहां से दूसरा लेग भी खोल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर इसको भी आपने खोलना है। इसके बाद ये तीसरा क्लिप भी है, आप देख सकते हैं इसको भी आपने खोलना है। ये तीनों लेग्स में तीन तीन क्लिप्स है, इसको आपने खोलना है। मैं आपको दिखा देता हूं, इन सबको आपने खोलना है और फिर यहां पर बंद करना है। तो मैं अब आपको दिखा देता हूं, अब कैमरे में ठीक से नहीं आ रहा, मैं कैमरा थोड़ा ऊपर करता हूं। तो ये आप देख सकते हैं इतना हो गया। अब हम इसकी खड़े होकर भी वीडियो बना सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपने इसको इसका साइज भी उठाना है। अगर आपको थोड़ा कम चाहिए तो इसको हमने अंदर घुसाना है। आप देख सकते हैं हम इसके दो लेग्स भी खोल सकते हैं, सिर्फ दो क्लिप्स हम इसको खोलेंगे तो इस तरह ये यहां तक आएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज हमें मिलती है और इसकी प्राइस भी मैंने आपको बता दी कि पाकिस्तान में तकरीबन 500 या 550 रुपए का होगा। मैंने सऊदी अरब में 25 रियाल में लिया है, सऊदी अरब में 20-25 रियाल का मिलता है। और फिर आपने इसको इस तरह बंद करना है। आप देख सकते हैं अब ये फिर से छोटा हो गया और इस छोटे से कार्टून में जो है ये समा जाता है। आप देख सकते हैं छोटा सा कार्टून है इसमें आता है और इसको आपने फिर से खोलना है, क्योंकि कार्टून में ये साथ नहीं आएगा। यहाँ से इसका जो नट है इसको आपने चेड़ना है और इसको निकालना है। जो मोबाइल का फ्रेम है इसको आपने निकालना है और इसको आपने अलग से रखना है कार्टून में, अगर आपने रखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया, बहुत ही कम प्राइस में हमें मिलता है और जो फैसिलिटीज इसमें हमें मिलती है वो भी मैंने आपको बता दी सब कुछ। तो मैं समझता हूँ कि इस प्राइस में हमें बहुत सस्ता मिलता है, ये कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, इसमें हमें लेनी चाहिए और हमें मेज़ पर मोबाइल रखकर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।